बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इकोसिस्टम चैप्टर नंबर 25 में हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस किया था। आज जो है वो कुछ एक दो लास्ट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जिनको हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ हम जो है वो 26 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक है हमारे पास द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। देखें, एनर्जी किस फॉर्म में किसी भी फूड चेन का हिस्सा बनती है। एनर्जी जो है वो सनलाइट की फॉर्म में जो है वो सबसे पहले किसी भी फूड चेन का, देखें फूड चेन क्या है, सॉरी फूड चेन एक तरतीब है, एक लिंक है बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स का, जिसमें हर ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म के ऊपर क्या कर रहा होता है, अपनी खुराक के लिए डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब आपने इससे पहले पीछे देखा है कि कोई भी सिंपल से सिंपल फूड चेन है तो उसमें हमें 4 से 5 लेवल्स नज़र आते हैं। उन 4 से 5 लेवल्स को हमने क्या नाम दिया था, ट्रॉफिक लेवल्स का, या हमने कहा था ये लिंक्स हैं। लिंक्स मीन ये रबते हैं एक ऑर्गेनिज़म के दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ। अब किसी भी फूड चेन के अंदर सबसे पहला लेवल जो होता है वो हमेशा किसका होता है, प्रोड्यूसर्स का। और आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स हमेशा कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। सो यहाँ पर प्लांट्स के पास किस फॉर्म में एनर्जी आ रही है, सनलाइट की फॉर्म में। उस एनर्जी को प्लांट्स यूटिलाइज़ करते हुए क्या करते हैं, अपनी फूड सिंथेसाइज करती हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। ये पहला ट्रॉफिक लेवल था। उसके बाद सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आता है। अब पौधों ने जो खुराक बनाई वो इन दी फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स है, यानी फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं, या सिंपली अगर हम ग्रास की बात करें तो ग्रास को जो है वो आगे से जोन से एनिमल्स ईट करेंगे, वो कौन सा ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो है वो बनाएंगे। अब इसी तरह एनर्जी पहले फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में थी, वहाँ से कहाँ आ गई है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर, जिसमें कौन है, कंज्यूमर्स, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स का नाम देते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा कौन होते हैं, हर्बीवोर्स, जो किनको खाते हैं, हर्ब्स को। इस तरह से एनर्जी जो है ये फ्लो करती है किसी भी फूड चेन के अंदर, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। सो लिखा है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट हीट। एनर्जी किस फॉर्म में आती है हमारे पास, हीट की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में। अब ये हीट और लाइट हमें कहाँ से मिल रही है, सन से। ये सन से आने वाली लाइट और हीट फ्लो करती है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, पासिंग थ्रू द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में से गुजरती है एंड रेडिएट्स अगेन बैक इनटू आउटर स्पेस, और दोबारा कहाँ से ली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। टोटल अमाउंट जो एनर्जी की फिक्स करते हैं प्लांट्स, उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको हम GPP भी लिखते हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, तो टोटल एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी जिसको किसने फिक्स किया है, प्लांट्स ने, वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाएगी। देन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बाकी बचती है प्लांट्स के पास जब वो अपनी रेस्पिरेटरी नीड को पूरा कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। देखें, पौधों ने एक ख़ास मिकदार में एनर्जी को यूज़ किया, उस एनर्जी को यूज़ किया, उसको हमने नाम दिया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन का। अब एनर्जी को यूज़ करने के बाद, यानी उनकी खुद भी तो ज़रूरियात है ना, उन्होंने सांस लेना है, पौधे भी तो रेस्पायर कर रहे हैं, पौधे भी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, पौधे भी तो ज़िंदा रह रहे हैं। उन्हें अपनी सारी ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो एनर्जी वो पीछे बचाते हैं, उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। और ये जो है ये प्लांट बायोमास बनाती है, प्लांट का बायोमास कहलाती है। ठीक हो गया। सो जितनी भी टोटल एनर्जी सूरज से आती है, उसमें से सिर्फ 1% एनर्जी ऐसी होती है जिसको प्रोड्यूसर्स
ट्रैप करती हैं। एंड यू पीपल नो वेरी वेल प्रोड्यूसर्स क्या हैं, प्लांट्स हैं, यानी सूरज से कितने परसेंट एनर्जी आ रही है, 100%। अब उसमें से सिर्फ 1% एनर्जी को कौन यूटिलाइज कर रहा है, कौन ट्रैप कर रहा है, प्रोड्यूसर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, इज़ दैट क्लियर? प्रोड्यूसर्स कौन हैं, प्लांट्स हैं। अब रिमेनिंग जो 99% सोलर एनर्जी है, इसको यूज़ किया जाता है एवेपोरेट बनाने के लिए वाटर, यानी जो बाकी प्रोसेसेस ज़मीन के ऊपर हो रही हैं, जैसे कि पानी जो है वो एवेपोरेट हो रहा है, गर्म हो रही है हमारी ज़मीन, और ये गर्म होने के बाद, पानी के एवेपोरेट होने के बाद, ये एनर्जी दोबारा लॉस्ट हो जाती है कहाँ, आउटर स्पेस के अंदर। जैसे कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, यानी कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं, प्लांट्स, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, तो ये ट्रॉफिक लेवल यानी प्रोड्यूसर से कहाँ चली गई है, कंज्यूमर्स के पास। अब 80-90% ऑफ द लास्ट एज द ओरिजिनल एनर्जी इज़ हीट एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के फिनामिना में 80-90% जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, लेकिन एक फ्लक्स जो है एनर्जी का इकोसिस्टम के अंदर वो चलता रहता है। पायरामिड ऑफ एनर्जी जब हम देखते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और ये हमें बताते हैं एनर्जी का ट्रांसफ़र किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के। इसको हम देख लेते हैं, पहले आप इस फिगर को देख लें। आप देखें, सबसे पहले है हमारे पास सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी कहाँ से आ रही है, सूरज से। सोलर एनर्जी आके कहाँ हीट कर रही है, हीट एनर्जी लॉस्ट इन टू द आउटर स्पेस, यानी हमारे पास जो सोलर एनर्जी है 100% किसके पास आई है, प्रोड्यूसर्स के पास। अब उस प्रोड्यूसर्स में से सिर्फ पौधों ने कितनी एनर्जी ली है, 1% सूरज की एनर्जी को पौधों ने कन्वर्ट कर दिया है 100% एनर्जी के अंदर, इज दैट क्लियर। अब ये जो 100% एनर्जी है, इसमें से सिर्फ 10% एनर्जी किसके पास गई है, कंज्यूमर्स के पास। बात समझ में आई? और बाकी जो 80-90% है वो कहाँ लास्ट हो गई है, आउटर स्पेस के अंदर। बातें समझ में आ रही हैं? नहीं, सूरज अगर आप लेफ़्ट साइड से इसको रीड करना शुरू करें तो सोलर एनर्जी है, सन से आ रही है। इस एनर्जी का सिर्फ 1% किसने अब्सॉर्ब किया, एरो बता रहा है प्रोड्यूसर्स ने। वो प्रोड्यूसर्स क्या हैं, प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स ने इस 1% एनर्जी को यूज़ करते हुए 100% अपनी एनर्जी बना ली, लेकिन उसमें से कंज्यूमर्स के पास कितनी गई है, सिर्फ 10%। तो बाकी 80-90% कहाँ चली गई है, लॉस्ट हो गई है आउटर स्पेस के अंदर। अब बाकी क्या बचा है, अब कंज्यूमर से भी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो रही है, यानी कंज्यूमर से भी देखिए आपको एक एरो निकलता हुआ नज़र आ रहा है जो लॉस्ट कर रहा है एनर्जी को स्पेस के अंदर, और नीचे की तरफ भी निकल रहा है, स्पेस के अंदर लॉस्ट हो रही है एनर्जी। तो 10% में से सिर्फ 1% एनर्जी किसके पास जा रही है, डिकम्पोजर्स के पास, जो आगे से इसको यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं फीसिस की फॉर्म में, एक्सक्रीटरी डिकेज की फॉर्म में, उनको रिसाइकल कर लेंगे अर्थ के ऊपर। सो दिस वाज अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड, एनर्जी 1% सिर्फ ऑब्जॉर्ब, 100% आती है सूरज से, लेकिन 1% सिर्फ पौधे क्या करते हैं, इसको ऑब्जॉर्ब, उसमें से भी उसको यूज़ करते हुए वो 100% अपनी एनर्जी बना रही हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो जा रही है वो सिर्फ 10% है, जिसको कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं, और डिकम्पोजर्स के पास कितनी एनर्जी जा रही है, सिर्फ 1%। सो यहाँ पर आप देखें तो आपको उन्होंने एक टिपिकल बहुत छोटा सा फूड चेन दिखाया है। फूड चेन हमेशा नीचे से, यानी ये आपको पायरामिड दिखाया है उन्होंने। प्रोड्यूसर्स को देखेंगे आप, सबसे पहला लेवल हमेशा नीचे से शुरू करेंगे रैंकिंग में, तो प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स ने 10,000 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस किया है। अब इस 10,000 में से 80-90% कहाँ लास्ट हो गई एटमॉस्फेयर में, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितने जूल एनर्जी पहुँची है, 1,000 जूल, इज़ दैट क्लियर। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी पहुँची है, 100 जूल्स। टर्शरी कंज्यूमर के पास कितनी पहुँची है, 10 जूल, यानी हर ट्रॉफिक लेवल, पहला ट्रॉफिक लेवल जो है वो प्रोड्यूसर्स का, दूसरा किसका, प्राइमरी कंज्यूमर्स का। तो हर ट्रॉफिक लेवल में मूव करने के साथ साथ क्या होता है, एनर्जी लॉस्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। सो इसको रीड कर लेते हैं। लिखा है अ शॉर्ट फूड चेन, जिसमें आपको 2-3 लिंक नज़र आ रही हैं, जिनको हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं, सपोर्ट करते हैं एक कम्युनिटी को
मोर एफिशेंटली देन अ लॉन्ग फूड चेन ऑफ फाइव लिंक्स वेयर मच ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी फ्राम द प्रोड्यूसर्स वुड नेवर रीच दोज ऑर्गेनिजम्स एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स। अब देखें टर्शी कंज्यूमर के पास 10 जूल्स एनर्जी है, इसके ऊपर भी तो कई लेवल्स हैं जिसमें डिकम्पोजर्स हैं, उनको बहुत ही कम मिकदार में जो है वो एनर्जी मिलती है। डिकम्पोजर्स आर एबल टू ऑब्टेन एनर्जी बाई कन्वर्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज एंड वेस्ट इन टू द इनऑर्गेनिक मिनरल आइंस। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के टिश्यूज़ को यूज़ करते हुए अपने लिए एनर्जी जो है वो पैदा कर रहे होते हैं। सो दिस वाज अबाउट अ सिंपल एनर्जी पायरामिड, जिसको आपने कहते हैं पायरामिड कहते हैं अहराम मिस्र, आपने अहराम मिस्र देखे होंगे, ठीक है। वो आपको तीन ऐसे वो बिल्डिंग्स नज़र आती हैं जो ट्राई एंगल की फॉर्म में जो हैं वो बनी हुई हैं। उन ट्राई एंगल्स को यहाँ पर देखें तो ये भी आपके पास एक ट्राई एंगल बन रहा है, यानी जैसे जैसे ऊपर जा रही हैं जो पीक है वो क्या होना शुरू हो गई है, श्रिंक होना शुरू हो गई है। एक पायरामिड की फॉर्म में एनर्जी फ्लो कर रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। सो दिस वॉज अबाउट 25 चैप्टर। ये हमारा लास्ट कुछ टॉपिक्स थे जो रह गए थे जिनको हमने इस टॉपिक इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे आज के लेक्चर का, उसमें हम 26 चैप्टर जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।